4 अप्रैल 1979 ईस्वी ते मुल्क जे पहिरे चूंडियल वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे फांसी ॾेई शहीद करण खां पोइ पाकिस्तान जे उन वक़्त जे हुकमरान हर उन माण्हू खे अज़ियतूं ॾेई मारण जो ड्रिगो सिलसिलो शुरू कयो हो जेको अमुन इंसानियत आवाम जे भले ऐं जमहूरियत लाइ आवाज़ बुलंद करे रहियो हो। अहिड़नि इनकलाबनि में टंडो अलहार वारो खाबी दुर जो अॻुवाणु शहीद नज़ीर अब्बासी बि हिकु हो, जंहिंखे ज़िया शाही जे उन कारे राज दौरान पंहिंजनि केतिरनि ई साथियुनि सां गिरफ़्तार करे झुकाइण जी कोशिश कई हुई। 10 अप्रैल 1953 ईस्वी ते टंडे अलहार में जनम वठंदड़ नज़ीर अब्बासी आज़ाद मारोड़ा शागिर्द फेडरेशन खां सियासत जी शुरूआत कई ऐं बाद में हू SNSF में शामिल थियो ऐं अॻिते हली SNSF सिंध जो सदर चूंडियो वियो। पढ़ाई सां गॾु सियासत में हुजण सां संदसि पढ़ाई ते को बि फ़र्क़ु कोन थियो ऐं कशाला कंदो अची पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स जो नायब सदर बणियो। 70 जे ॾहाके में नज़ीर अब्बासी DSF जो बुनियादु विधो, जंहिंजो बुनियादी मक़सदु शागिर्दनि जा बुनियादी मसाला अवलियत जे बुनियाद ते हल करणु हो। नज़ीर जी लाइफ खे मूं कीअं ॾिठो, इहो तमामु हिकिड़ो वॾो सुवाल थी थो वञे। इहे तमामु कमिटेड माण्हू ऐं हुन एतिरे क़दुरु जो जॾहिं असीं सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ूं पिया त उते सुबुह जो कमु करणु ईंदो ऐं राति जो जेको आहे शाम जे टाइम वरी वापसि टंडे अलहार वेंदो। हुनजो ॻोठो टंडे अलहार में हू त नाके मुंशी हो, त उते हू नौकिरी कंदो ऐं पोइ अची सुबुह जो यूनिवर्सिटी में जेको असां पॉलिटिकल वर्क हूंदो उहो कंदो ऐं बस में सुम्हंदो। इहो हुनजी हिकिड़ी साल ॿिन साल खनि जो किसो हूंदो। नज़ीर अब्बासी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जे दौर में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल थियो। ही वाहिद शागिर्द अॻवान हो जेको नंढी उमिरि में पुख़्ती सोच रखण जे करे पार्टी जो मेंबर बणियो। शहीद नज़ीर अब्बासी खे जेतोणीक खुलियल शागिर्द सियासत करण जो तमामु घटि मौक़ो मिलियो, पर पोइ बि हुन उन मैदान में बि पंहिंजी सलाहियतुनि खे तस्लीम करायो। शीरी सुमरो सां हिकु मेजर जी ज़्यादती ख़िलाफ़ सिंध यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि जी तहरीक हुजे या तरक़ी पसंद ऐं क़ौम परस्त शागिर्द तनज़ीमुनि जे इतिहाद जे क़याम लाइ जा खोड़ या वरी DSF जी नए सिर जोड़जक लाइ जिदोजहद, हर मैदान में हू सरवाणी वारे सत में मौजूदु रहियो ऐं पंहिंजी बाअमल सरगर्मी ॾात ऐं ॾांव सां मुल्क तोड़े सिंध जी शागिर्द तहरीक ते अहम असरु विधा। नज़ीर जी शहादत खां पोइ त मां सम्झां थी त लफ़्ज़ शहीद खां पोइ त नज़ीर जे लाइ असां जेकॾहिं कुझु वेही करे वज़ाहतूं कयूं त सभु शयूं हाणे जेके आहिनि से का अहमियत नथियूं रखनि। मूंखे तारिक़ अशरफ़ जा उहे लफ़्ज़ यादि आहिनि जेको हुन जेल घारे में जिन में लिखिया त नज़ीर जे लाइ मूं वटि हाणे लफ़्ज़ ई न आहिनि, जेको हुन जेरे हुन ते लिखियो आहे त नज़ीर जे लाइ मूं वटि लफ़्ज़ ई न आहिनि जे मां हुन ते कुझु लिखायां। हुन हिकिड़ो पेज सिर्फ़ु लिखियो आहे त मां बि हिन वक़्तु इहो ई मैसेज ॾींदसि त नज़ीर जे लाइ असां केतिरा बि खणी ख़ूबसूरत लफ़्ज़ इस्तेमालु कयूं, केतिरो बि खणी असां हुनखे चऊं त हू बहादुरु हुयो, हू हीअं हुयो। नज़ीर, मां हिकिड़ी ॻाल्हि जी इहा बि वज़ाहत कयां त नज़ीर जे लाइ चइजे त नज़ीर कम्युनिस्ट पार्टीअ में स्टालिनिस्ट हुयो। मां सम्झां थी त नज़ीर जेको आहे सो हिकिड़ी मुकमिल जदोजहद आहे, हिकिड़ी तहरीक आहे, हिकिड़ी असांजे जदोजहद जी अलामत आहे, हिकिड़ी शऊर आहे, हिकिड़ी मशल आहे ऐं नज़ीर अब्बासी आहे। नज़ीर अब्बासी खे असां ॿिए कंहिं लफ़्ज़नि जी भेटा नथा ॾेई सघूं छाकाणि जो शहीदनि शहीद अमर हूंदा आहिनि, शहीद शहीद ई हूंदा। नज़ीर पंहिंजे दौर जो हिकु बहितरीन मुंतज़िम मुक़रर मिलनसार ऐं पाण जहिड़नि ॿियनि साथियुनि लाइ हिकु दर्दमंद ऐं ख़ूबसूरत दिलि रखंदड़ इंसानु हो। शहीद नज़ीर अब्बासी जी ज़िंदगी हिकु खाहोड़ी वारी ज़िंदगी हुई। संदसि सोच ऐं लोच जो मर्कज़ सूंहं ऐं सच जी हासिलात हुई। इन दौरान खेसि केतिरियूं ई तकलीफ़ूं ॾिसणियूं पयूं। संदसि वालिद साहिबु गुज़ारे वियो, लेकिन पंहिंजे ज़ाती ग़म खे कुल जी निजात जी राह में रंडक बणजणु न ॾिनई। शहीद हर आपेशाही ऐं ग़ैर जमहूरी हुकूमत लाइ अखियुनि जो कंडो बणियलु रहियो, तंहिं करे मजबूरनि रूपोश रही पंहिंजी तनज़ीम सिंध नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ऐं सिंध जी शागिर्द जिदोजहद खे मुनज़िम कंदो रहियो। 1977 ईस्वी में ज़िया शाही जे कारे साम्राज नवाज़ फ़ौजी राज क़ाइमु थियण खां पोइ जल्द ई मई 1978 ईस्वी में मशहूरु हलचल पंपलेट केस में गिरफ़्तार करे खेसि बदनाम ज़माना कुली कैंप ॾांहुं मोकिलियो वियो। हीउ उहो दौरु हो जॾहिं फ़ौजी हुकूमत सॼी सिंध मां SNSF ऐं हारी कामेटी जा कारकुन गिरफ़्तार करे कुली कैंप मोकिलिया हुआ। शहीद नज़ीर कोइटिया कुली कैंप में बेमिसाल बहादुरी जो शानदारु मुज़ाहिरो कयो। शहीद जी जुरतमंदी ऐं सियाणप जे करे कुली कैंप मां सभु साथी सही सलामत मोटी आया ऐं उन वक़्त जी फ़ौजी हुकूमत कंहिं ते बि
हलचल पंफलेट केस साबित न करे सकी। नज़ीर अब्बासी की शादी भी मिसाली हुई, जका समाज में थींदड़ रीतुन रस्मुन बजाय पुरानी रवायतुन के ट्रोड़ींदे खुलियल मैदान में विहारे घोट कुंवर जो निकाह विधो हो। उन दौर में सिंध में ही पहरी शादी हुई, जैमें रवायती गीच ए सहरा चवण बदरा शेख अयाज, फैज़ अहमद फैज़ ए इब्राहिम मुंशी जा गीत गाए शादी के सियासी जलसे में तब्दील कयो हो। हिक मुंद चरी आहे बीजा रात ठरी आहे एहरे में अचन तुही जो भागन जी भरी आहे। हिक मुंद चरी आहे बीजा रात ठरी आहे दिस के हेरो दखन घुलियो थ्यामा कफुरा मोती। दिस के हेरो दखन घुलियो थ्यामा कफुरा मोती आई वे सवनन ढकियो पन पही जा करे पोती। आई वेस वणन ढकियो पन पही जा करे पोती वरिया तो वरायण ले वरिया तो वरायण ले वाहूंदी वरिया है वरिया तो वरायण ले वाहूंदी वरिया है। एहरे में अचन तुही जो भागन जी भरिया है। हिक मुंद चरिया है बीजा रात ठरिया है। इहा शादी पिण हुकूमत के पंहिंजे ख़िलाफ़ ॼण जलसो लॻो, जंहिंमें नज़ीर समेत 32 खां वधीक सियासी कारकुननि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो। शादी जे कुझु ॾींहनि में नज़ीर खे गिरफ़्तार करे कंडियारो लाकप ऐं संदसि वनी हमीदा घांघरो खे पटफीडर मां गिरफ़्तार करे मच जेल मोकिलियो वियो। नज़ीर खे सिनेमा में फिल्मूं ॾिसण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हो, रूपोशी वारे ज़माने में बि फिल्मूं ॾिसंदो हुयो। पंहिंजी ज़ाल ऐं धीअ सां घणो प्यारु हूंदो हुयोसि, पर उन जो इज़हार न कंदो हो। नज़ीर खे ज़रका फिल्म ॾाढी पसंदि हुई। फिल्म में ज़रका जे किरदार खां मुतासिर थी पंहिंजी धीअ जो नालो ज़रका रखियई। जॾहिं ज़रका ॼाई हुई तॾहिं जॾहिं हिकु साल जी थी त हमेशह मूंखे ईअं चवंदो त हमीदा जिथे बि सिंध में ज़रका फिल्म लॻंदी त मां तोखे ज़रूरु ॾेखारींदुसि। ऐं इतफ़ाक़ सां उन टाइम ते हिते नावल्टी सिनेमा में फिल्म लॻी, मूंखे मेरापुर खां हिन घुरायो हुयो त अचु हाणे हली करे फिल्म था ॾिसूं। पोइ पंहिंजी मासियुनि सां गॾिजी करे असां मूंखे नज़ीर जी ज़रका जी पहिरीं सालगिरह ते हुन ज़रका फिल्म ई ॾेखारी हुई। अगरि बाबा जी शख़्सियत जे बारे में ॿुधाइजे त मूंखे जेको अमी जे ज़रिए ऐं बाबा जे दोस्तनि जे ज़रिए ख़बर पई त बाबा जेको आहे सो तमामु रहमदिल इंसानु हुयो, जॉली इंसानु हुयो। ऐं जेको आहे सो उन में हिकिड़े तबिके या हिकिड़े क़ौम या हिकिड़े मज़हब जो न हूंदो हुओ तसवुरु। ऐं जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां, मुख़्तलिफ़ ज़बानुनि जे माण्हुनि सां, मुख़्तलिफ़ मज़हब जे माण्हुनि सां वेही ॻाल्हाईंदो हुयो, खिलंदो हुयो। ऐं जेको आहे सो कुझु मूंखे ॻाल्हियूं इहे बि ख़बर आहिनि त मुख़्तलिफ़ पार्टी जे माण्हुनि सां जेको आहे सो अगरि उन्हनि जा जेके आहिनि से किथे को प्रोग्राम हूंदो या ईअं त भरपूर तरीक़े सां पार्टिसिपेट कंदो हुयो। बाक़ी नज़ीर बाबा जे कॉज़ जे बारे में ॻाल्हायो वञे त नज़ीर बाबा जंहिं पार्टी सां तालुक़ु रखे थो उन में तव्हां ॾिसो त को मज़हब न हुयो, को तबिको न हुयो ऐं का ज़बान न हुई। मुख़्तलिफ़ ज़बानुनि जा माण्हू उन पार्टी में शामिलु हुया, मुख़्तलिफ़ तबिके जा माण्हू शामिलु हुया ऐं मुख़्तलिफ़ मज़हब जा माण्हू शामिलु हुया। अगरि ॾिठो वञे त उहा पार्टी अगरि अॼु हुजे हा त अॼु जेके हालात आहिनि असांजे मुल्क जा मुसलमान मुसलमाननि सां विढ़नि था उहो न हुजे हा। इन करे जो नज़ीर बाबा जो काज़ हुयो त इंसानियत हुजे ऐं जेको आहे सो हे डिफरेंस ख़तमु थी वञे। 1977 ईस्वी में सियासी हालतुनि खे सबबु बणाईंदे
मुल्क के चूंडियल वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे की हुकूमत जो तख्त ऊंधो कर मार्शल लॉ लागू कई वही त इन मार्शल लॉ जो सब का वधीक नज़रो सिंध धरती के सोचों ते किरियो हो। मुल्कंदर इंसानी बुनियादी हकन के पायमाल कर सुध समाज के जरिए मथा पाबंदी लागू करण से गड सियासी चुरपुर से भी पाबंदी लागू कई वही हुई। ही उहो दौर हो जडें सिविल हकन लाय जबान खोलींदड़न सा कहर कया वेंदा हुआ। जुलाई 1980 के आखिरी हफ्ते में कराची शहर के नॉर्थ नाज़माबाद वाले इलाके में पीपुल्स कॉलोनी नाले कच्ची आबादी के एक अध ठयल कच्चे घर से कमांडो ऑपरेशन करे शहीद नज़ीर अब्बासी, प्रोफेसर जमाल नकवी, शबीर शर ए कमाल वारसी के गिरफ्तार किया वो। चारई जणा जाम साकी केस जा मुख जवाबदार बणिया। कुछ डीहन का पोए सोहेल सांगी, अमर लाल ए बदर अबड़े के भी सूबे के मुख्तलिफ हंधन ता गिरफ्तार करे इन काफिले में शामिल किया वो। सरकार मथन गद्दारी बगावत जो केस मड़ियो। जाम साकी केस जो बाद में पाकिस्तान की तारीख में कम्युनिस्ट केस तौर मशहूर थो जैमें बचाव के शायदन तौर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वी वली खान, गौस बख्श बिजन जो मौलाना अमरोटी, शेख अली मोहम्मद तई सभी बयान रिकॉर्ड कराया। गिरफ्तारी इस तरह हुई कि एक घर था जहाँ हमारी साइकिलो स्टाइल मशीन टाइपराइटर वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े रहते थे, उसी घर में मेरा उनसे अपार्टमेंट था। मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे कोई 10 मिनट पहले नज़ीर वहाँ पहुँचे। उन्होंने झांका, उनको अजनबी लोग नज़र आए तो उन्होंने जल्दी समझ लिया कि गड़बड़ है कुछ और चले गए वापस। फौजियों ने निकल के बाहर बच्चों से पूछा, उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी थी, सिर्फ आँख देखी थी उसकी, तो बच्चों ने हुलिया बयान किया तो उन्होंने कहा हाँ। तो वो फौजी आए बस स्टैंड पे और बस स्टैंड पे बस एक खड़ी हुई थी, उसमें पीछे ही एक साहब जो बैठे थे उस पर हाथ डाल के उन्होंने उसको नीचे उतार दिया और उसके जेब में हाथ डाला तो उसमें जाम की जो लाहौर की कोर्ट अपीयरेंस थी उसकी तस्वीरें थी। तो कंफर्म हो गया कि ये यही वो शख्स हैं जिनका वो ढूंढ रहे हैं। तो उनको ले आए, रस्सी वस्सी से बांध के बिठा दिया उधर उसी घर में। उसके 5 मिनट बाद मैं आया, मैंने देखा और मुझे भी अजनबी आदमी नजर आए, लेकिन ये रजिस्टर करने में कई गड़बड़ लोग हैं, मैं नहीं कर पाया। मुझे लगा कि हमारे यंग दोस्त जो हैं अपने दोस्तों को बुला लाए होंगे। दरवाज़ा खुला, उनकी शक्ल में देखा तो मैं समझ गया कि ये फौजी लोग हैं। बहरहाल मैं अंदर गया, मुझे भी उन्होंने पकड़ लिया और रस्सियों से बांध करके एक चारपाई खड़ी हुई थी उस ये अब जुलाई की 30 थी या 28th 29th 80 की थी। उतान जो गिरफ़्तारियों थी उन्होंने गिरफ़्तारियों की मुख्य बी का तफसील कोने का सवाए इन जो या जैसे गिरफ़्तारी थी तो मुख्य बेन दोस्तन के जबानी या खबर पई वह भी मुख्य पे हवालों ये मिलो तो जन जमशेद क्वार्टर में गिरफ़्तार थियन। सो बहरहाल बाद में कन्फर्म थो तो न पाकिस्तान क्वार्टर में यो वाक्य थोड़ा।